नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की और बता दें कि पांच शहर की पांच बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक ट्वीट करके दिवाली त्योहार और माँ लक्ष्मी का भी मजाक बनाया है। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से प्रदूषण की है, जहां प्रदूषण लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, 999 तक पहुंच चुका है AQI। तीसरी खबर महाराष्ट्र के मालेगांव से है, जहां एक सिनेमा हॉल में दंगियों ने सलमान खान की रिलीज फिल्म टाइगर 3 के शो के दरमियान फिर पटाखे फोड़े। वहीं चौथी खबर रामपुर से है, जहां जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार देखा गया। बता दें कि पांचवी खबर की तो हमीरपुर से है, जहां जिले में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष की बेटी का सोशल मीडिया में हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक ट्वीट करके दिवाली त्योहार और मां लक्ष्मी का भी मजाक बनाया। दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा है कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, दो छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ भी होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, वो हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। तो वही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी से मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल चार हाथ ही नहीं कहा हूं, चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को हजार हाथ वाला बना दें, किसी को बीस हाथ वाला बना दें। और स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयान कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मां लक्ष्मी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिए। इससे पहले भी कई बयान उन्होंने भगवान के खिलाफ दिए हैं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, केवल धोखा है, ये पहला बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का। आगे बढ़ेंगे, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये केवल धोखा है, ये लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कहा था, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में भी रहे थे। रामचरितमानस बकवास, बैन लगा देना चाहिए रामचरितमानस पे। तो देखिए, दूसरा बयान है रामचरितमानस को लेकर उन्होंने दिया है, रामराज में काटा गया था शंबुक का सिर। ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ही लफ्ज है जो उन्होंने कहे। बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी पहले बौद्ध मठ थे। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के वो विवादित बयान जो आपके समक्ष रख रहे हैं, आप देखिए एक और नया विवादित बयान इसमें एड ऑन हो चुका है कि अब मां लक्ष्मी पर उन्होंने बयान दिया है। अरुणेश यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणेश जी, उम्मीद करती हूं कि आपने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मां लक्ष्मी के खिलाफ जो बयान दिया गया है वो सुना और पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है, हम लोग हर जाति और हर धर्म का सम्मान करते हैं, और हमारी धार्मिक आस्थाएं सभी धर्मों के प्रति है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी बयान दिया है वो उनका निजी बयान हो सकता है, और इस तरह के जो बयान है वो बीजेपी पार्टी के भी जो कई सहयोगी दल हैं उसके बड़े नेता भी देते रहे हैं। अगर हम संजय निषाद जी की बात करें, ओम प्रकाश राजवर जी की भी बात करें, तो इन लोगों ने भी हिंदू धर्म विरोधी बयान दिए, भगवान राम के खिलाफ बयान दिए हैं। तो क्या मानो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके बयान को, दूसरों की गलतियां गिनवा के? देखिए, ये सब हर व्यक्ति की अपनी निजी राय हो सकती है। अच्छा, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की निजी राय है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये उनका अपना निजी मानना है। हमारी पार्टी, देखिए, हम पहले ही मैं अपने स्टैंड पे हूँ कि सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान। आज चुके आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। संदीप जी, देखिए, कांग्रेस भी कह रही है कि आपके खुद की पार्टी में कई अच्छे शख्स है जिन्होंने ऐसे बयान दिए, तो आप किस तरीके से उंगली उठा सकते हैं?
देखिए झूठ और निराधार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आज ये नया कल्चर बना हुआ है और आपकी पार्टी के सहयोग से मंत्री बने हुए हैं संजय निषाद जी, और जो उनके भगवान कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए समाज से, देश से, क्योंकि इस तरह की घटना है, इस तरह की विषय सबको आहत करती है। और ऐसे समय में जब आज माता लक्ष्मी का दिन है, हम सब लोग माँ लक्ष्मी को याद कर रहे हैं, हम सब लोग के भाव जो है माँ लक्ष्मी के प्रति है, तो मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग खासतौर से राजनीति में है उनको, अरुणेश जी, क्या आप उनके बयान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जायज मानते हैं आप उनके बयान को? मेरा सवाल बीजेपी के साथी से ये है कि संजय, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप उनके बयान को जायज मानते हैं? मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, संजय निषाद जी इनके पार्टी से के सहयोगी हैं और अभी मंत्री बने हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतने धर्म रक्षक हैं तो उनको हटा क्यों नहीं रहे हैं मंत्री पद से? मैं भी बस आपसे इतना ही पूछना चाह रहा हूँ अरुणेश जी, बयान जायज है या नहीं है? देखिए पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्या जी हमारी पार्टी में नहीं है। हाँ, प्रोटेक्ट तो लेकिन आप उनको कर रहे हैं। हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा ये उनकी निजी राय है। अगर वो मेरी पार्टी में होते, कांग्रेस में होते, तब फिर मैं कुछ बोल सकता था ना। अच्छा भाई, वो जब हमारी पार्टी में नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है उसमें जुड़े हुए हैं, तो इस पे जो ऑथेंटिक बयान है वो किसी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ही दे सकता है। हमारी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति इस तरह की धर्म विरोधी बात करता है या किया होगा तो उस पर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है। नहीं, आप उनके बयान को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरों की गलतियां गिरा रहे हैं। मैंने कब प्रोटेक्ट किया? आप माम, मैम मुझे लग रहा है आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी है। तो आप सुना दीजिए। मैंने उन्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया। तो आप जायज मानते हैं इसका मतलब? हर जाति का और हर धर्म का सम्मान करता हूँ। तो जायज उनका बयान है ना अरुणेश जी? सम्मान करती है अरुणेश जी, जायज उनका बयान है या ना? आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं ना, बात आप सुन रही हूँ सर, मैं आपकी पूरी बात सुनिए, आप बस बता दीजिए उनका बयान ठीक था। देखिए आप वही है, आप मेरी बात सुनिए समझिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्या जी की निजी बयान है, हमारी पार्टी उस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। आप समाजवादी पार्टी के व्यक्ति से बात कीजिए ना, और बीजेपी के लोग जो ये राग अलाप रहे हैं उनका संजय निषाद जी के लिए क्या स्टैंड है? संजीव जी जवाब दे दीजिए, संजय निषाद के लिए क्या स्टैंड है बीजेपी का? ठीक है जवाब ले लेते हैं अरुणेश जी, ठहरिए जरा। जो अरुणेश भाई जो बातों को घुमा रहे हैं और इधर उधर की बात कह रहे हैं उनको सर माननी चाहिए, समझना चाहिए। शर्म आप करो ना, कोई भी पार्टी के साथ मंत्री बने बैठे, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? वो हमारे हमारे साथ नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है स्वामी प्रसाद, शर्म आपको करनी चाहिए। आप राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, पूरे देश में ले रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से, और संजय निषाद जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उन्होंने क्या बात कही है, इस पे तो आप देखो ना, समाज से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी आप मांगो, आप संजय निषाद जी को संरक्षण दिए हुए, उन्हें मंत्री बनाए हुए, माफी आप मांगोगे? आप माफी मांगो, आपकी पार्टी माफी मांगे? ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से आस्था पर चोट लगाई गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान निकल के सामने आया है जिसके बाद से हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर देश की राजधानी दिल्ली से है जहां प्रदूषण ने हाल बेहाल कर रखा है। बीते 8 साल बाद वो मौका आया था जब दिल्ली वाले दिल्ली के दिल में चैन की सांस ले रहे थे दिन में भी, और दिवाली की रात में लोगों ने खूब आतिशबाजी की। नतीजा ये हुआ कि जब दिवाली के अगले दिन लोग उठे तो दिल्ली के कई इलाकों का AQI 999 तक पहुंच गया था, और अब एक बार फिर से दिल्ली के लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ प्रदूषण के हालात पर चर्चा की। गोपाल राय ने बीजेपी को प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अभी दिल्ली में अगले आदेश तक ग्रैप का चौथा चरण लागू रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण राज्यों से पटाखे लाए गए हैं, इस प्रदूषण के लिए UP और हरियाणा जिम्मेवार है।
तो आरकेपुरम में क्यूआई 999 तक पहुंच गया है। इंडिया गेट की बात की जाए तो वहां भी सेम ये संख्या निकल के सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे, आनंद विहार पे नजर डालेंगे तो क्यूआई 900 के ऊपर यहां पे भी दर्ज किया जा रहा है। और बता दें कि पूसा में 970 एक्यूआई यहां पे रिकॉर्ड किया गया है। बात दिल्ली के अगर अलग अलग क्षेत्रों की जाए तो नेहरू स्टेडियम का एक्यूआई 974 पहुंच चुका है। नेहरू स्टेडियम नहीं बल्कि श्रीनिवासपुर का भी पुरी का भी एक्यूआई 992 तक पहुंच गया है। दिवाली के बाद की ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, एक्यूआई दिवाली के बाद की है। जहांगीरपुरी का 847 तक पहुंच चुका है एक्यूआई लेवल। और एयर क्वालिटी इंडेक्स ओखला की बात की जाए तो 754 तक पहुंच चुका है। अजीत कुमार द्वारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आप कहाँ मौजूद है, एक्यूआई क्या दर्ज की जा रही है उस क्षेत्र की? जी बता दें छुट्टी, मैं रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ। रोहिणी इलाके में भी जो एक्यूआई लेवल है वो बेहद खतरनाक स्थिति का बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि देखिए लगभग 8 साल बाद एक दिल्ली वासियों को राहत भरी खबर मिली थी जब वो एक राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन इस तरीके से दिवाली का दिन आया और जैसे जैसे दिन गुजरता या रात होती गई वैसे वैसे जमकर राजधानी दिल्ली में जो नियमों को ताक पर रख करके आतिशबाजी की गई और जैसे जैसे रात होते गए आतिशबाजी बढ़ती गई और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से गंभीर स्थिति में आ गया। और आलम यह हुआ कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच गया, जो निश्चित तौर पर साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों के लिए ये बेहद चिंताजनक जो तस्वीर है वो देखने को मिली। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीते दिनों बरसात हुई थी तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन दिवाली के बाद एक बार फिर से तस्वीर जस की तस बन गई है और दिल्लीवासियों को एक बार फिर से प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है। गोपाल राय का बयान हमने सुना, उनका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो संकट निकल के सामने आया उसका निपटारा करने की बजाय हम आरोप प्रत्यारोप का अभी खेल खेलने का समय है क्या? अजीत देखिए सुनिए, बिल्कुल एक ये चलन बन चुका है जब भी कुछ इस तरह के जो दिल्ली में चीजें सामने आती है उसी समय आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और विशेष तौर पर पड़ोसी राज्यों के बहाने अपना जो पल्ला वो छुड़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे तमाम जैसे मैंने कहा कि दिवाली के रात जमकर आतिशबाजी की थी, जो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नियमों को ताक पर रखकर थी। तो जिस तरीके से दिल्ली में पूर्ण रूप से पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, तो ऐसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों के घरों में पटाखे आखिरकार कैसे पहुंचे, शासन और प्रशासन द्वारा ऐसे कौन से कड़े कदम उठाए गए जिससे लोगों के घरों में पटाखे ना पहुंच सके, लेकिन लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और ये चीज को भी नहीं। बिल्कुल, अब देखना होगा ये हाल कब तक दिल्ली का रहता है और दिल्ली वासी कब तक ये जहरीली हवा अपने अंदर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे, खबर मालेगांव से है जहां एक सिनेमा हॉल में उड़दंगइयों ने सलमान खान की रिलीज फिल्म टाइगर 3 के शो के दरमियान फिर पटाखे फोड़े हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से ये हॉल में पटाखे फोड़े गए हैं और आतिशबाजी यहाँ जमकी हुई है। ये मालेगांव का एक सिनेमा हॉल है जहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रही हैं। टाइगर 3 रिलीज हुई है और ये सलमान खान के फैन बताए जा रहे हैं जिन्होंने जमकर आतिशबाजी की है और ऐसे में
लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, दूर दूर तक चिंगारी जा रही है। कोई भी इस हादसे में झुलस सकता था, इस हॉल में भयंकर आग लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था अगले पल, लेकिन इसके सोचे बिना इस आतिशबाजी को किया गया। रामपुर के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार देखा गया। बता दें कि इमरजेंसी वार्ड और महिला वन स्टॉप सेंटर से चंद कदमों की दूरी पर गंदगी का ढेर लगा है, जिससे डेंगू और मलेरिया के बीमारी भी बढ़ सकती है और लोगों की मौत कारण हो सकती है इस कारण लोगों की मौत भी हो सकती है। तो वहीं अस्पताल के जिम्मेदार अफसरों ने इस मामले को लेकर मौन धारण कर रखा है। कुछ लोगों को गंदगी के ढेर की जानकारी मिली, कार्यालय में बढ़ रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के हमीरपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष की बेटी का सोशल मीडिया में हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। भूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, क्या कार्रवाई हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर से जुड़ा हुआ है। ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था और ये जो वीडियो है, मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ का एक निरंजन राजपूत किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की पुत्री है दिशा राजपूत, जो राइफल से फायरिंग कर रही है। इसके बाद उसी दिन उनका जन्मदिन था दीपावली के दिन, और उन्होंने ये छत पर फायरिंग की है और इसका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। तो क्या कोई आगे क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं, पुलिस से जब बात करी तो पुलिस ने बताया ये जो वीडियो है तो ये महोबा जिले का वीडियो बताया जा रहा है। वहाँ जांच करने के बाद ये अपने मामा के यहाँ गई हुई थी, इसके बाद वहीं पे इन्होंने पार्टी के बाद छत पे इन्होंने राइफल से फायरिंग की। और किसान नेता की ये बेटी बताई जा रही है, किसान नेता का कोई बयान निकल के सामने आया है इस पूरे वाक्य पर? जी, किसान नेता से बात करनी चाहिए लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। ठीक है रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5:05 खबर में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।